नमस्कार एजुकेशन इंडिया पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। और अभी हम बात करने वाले हैं जो 15 अक्टूबर से स्कूल खुलने जा रहे हैं उनके बारे में, कुछ पॉइंट्स जो कि सरकार द्वारा सामने लाए गए हैं कि कैसे स्कूलें खोली जाएंगी, क्या क्या SOPs रहने वाले हैं। साथ ही आपको बताने वाले हैं कि आप स्कूल जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं, और आपको जाना अनिवार्य है या फिर नहीं है। साथ ही कुछ राज्यों की भी बात करेंगे कि स्कूल खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। लेकिन उससे पहले, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा है तो कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आपको आगे भी आपके काम की खबरें सबसे पहले देखने को मिल सके। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी करिएगा। और अगर आपको स्कूल खोलने की प्रक्रिया, किस राज्य में खुलेंगे, इसके बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आपको लिंक भी मिलेगा, वेबसाइट पर जाइए, पूरी न्यूज़ देखिए बेझिझक। लेकिन आपको ये वीडियो पूरा देखना होगा, हम आपको इस वीडियो में पूरे पॉइंट बता देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कौन कौन से राज्य स्कूल कब खोलने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश की। आंध्र प्रदेश में 2 नवंबर से स्कूल खुलेंगे। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री YS जगन रेड्डी ने कहा है कि राज्य के स्कूल 2 नवंबर से खुलेंगे। आपको बता दें, ये बड़ी खबर है और कहना है कि अभी महामारी चरम पर है, अभी भी महामारी है, इसीलिए अभी स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं, लेकिन 2 नवंबर से स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में फिलहाल 15 अक्टूबर के बाद स्कूल बंद ही रहने वाले हैं। छत्तीसगढ़ की सरकार ने कहा है कि 1 नवंबर को राज्य के स्थापना दिवस पर कोई बड़ा कार्यक्रम भी नहीं होगा। इसके अलावा कब खुलेंगे ये भी अभी पक्का नहीं हुआ है, लेकिन 1 नवंबर के बाद स्कूल खोले जा सकते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मेघालय की, तो मेघालय में आंशिक रूप से स्कूल खुलने वाले हैं। मेघालय सरकार ने स्कूल खोलने को लेकर गाइडलाइन जारी कर दिए। कक्षा 6 से 8 तक के बच्चों को केवल कंसल्टेशन के लिए स्कूल आने की अनुमति होगी। कक्षा 9 से 10 के स्टूडेंट्स भी कंसल्टेशन के लिए ही स्कूल आएंगे, और क्लासरूम में पढ़ाई होगी या नहीं इस पर 14 या 15 अक्टूबर को फैसला लिया जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें हरियाणा की, तो आपको बता दें हरियाणा सरकार कक्षा 6 से कक्षा 9 तक के बच्चों के लिए स्कूल खोल सकती है। शिक्षा मंत्री कंवर पाल सिंह ने कहा है कि सब कुछ ठीक रहा तो 15 अक्टूबर के बाद से इन कक्षाओं के स्टूडेंट्स को अपने टीचर से कंसल्ट करने की परमिशन मिल जाएगी। तो इस प्रकार से कुछ राज्यों की खबर है। इसके अलावा अगर बात करें तो हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड समेत कई राज्यों में 15 अक्टूबर से स्कूल खुल जाएंगे। कुछ इस जगहों पर 10वीं से 12वीं के स्कूल खुलने जा रहे हैं, वहीं 9वीं से 11वीं के स्कूल बाद में खोले जाएंगे। यानी बात करें 10वीं और 12वीं की, और 9वीं और 11वीं के बाद में खोले जा सकते हैं, लेकिन कई जगहों पर एक साथ स्कूल खोले जाएंगे और कई जगहों पर 15 अक्टूबर को स्कूल नहीं खोले जा सकते हैं, ऐसा सरकारों द्वारा कह दिया गया। अभी भी कुछ राज्य बाकी हैं जो कि फैसला ले लेंगे, हमारे सामने फैसला 12-13 अक्टूबर तक सामने आ जाएगा, और जैसे ही आएगा हम आपको बता देंगे। अब बात करते हैं केंद्र सरकार के उन पॉइंट्स को जिन्हें आप हमेशा याद रखेंगे तभी आप स्कूल जा पाएंगे। तो आपको बता दें, स्कूल खुलने के बाद भी स्कूल जाना अनिवार्य नहीं होगा, ऑनलाइन क्लासेज भी एक विकल्प है। स्कूल जाने के लिए अभिभावकों की लिखित अनुमति जरूरी होगी। परिसर, फर्नीचर, स्टेशनरी, पानी, शौचालय को संक्रमण मुक्त करना जरूरी होगा। इसके अलावा सीटिंग प्लान में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा, यानी कि जो भी सीटिंग प्लान रहता है उसमें सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी ही रहने वाली है। अलग अलग टाइम टेबल होगा, यानी कि हर एक स्टूडेंट का, या कह सकते हैं कि हर एक क्लास का अलग अलग टाइम टेबल होगा आने का और जाने का। जैसे बाहर जा रहे हैं स्कूल से वापस घर जा रहे हैं, तो ऐसे में छुट्टी के वक्त भी कई सारे टाइम टेबल बनाए जाएंगे, 10-10 मिनट या फिर हो सकता है कि 15-15 मिनट का गैप रखा जाए हर एक क्लास के बीच में, ताकि एक जगह पर भीड़ एकत्रित ना हो और इस बीमारी से बचा भी जा सके, साथ साथ पढ़ाई भी हो सके। स्कूल में डॉक्टर या नर्स या अटेंडेंट फुल टाइम मौजूद होना चाहिए। छात्र शिक्षक के हेल्थ स्टेटस को अपडेट करना जरूरी रहेगा। तो इस प्रकार से कुछ SOPs बताई गई है सरकार द्वारा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, साथ ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को भी दबा दे, ताकि आपको आगे भी ऐसे वीडियोस देखने को मिल सके। फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो के साथ और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।